नमस्कार, स्वागत है आपका एक ट्रेलर समीक्षा में। जिस फिल्म की समीक्षा मैं करने जा रहा हूं उसका नाम है ब्रोचेवारेवारू। आप अगर तेलुगु भाषी या किसी दक्षिण भाषा के भाषी नहीं हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक बार में पढ़ के बता दें आप इसको। फिल्म का नाम है ब्रोचेवारेवारू। अब जो है ये फिल्म का जो शुरू में पोस्टर आया था और एक मोशन पोस्टर भी आया था, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने क्या किया था कि इसको अपने रिमाइंडर में लगा के छोड़ दिया था कि जैसे भी इसका टीजर या ट्रेलर आता है तो मैं जो है इसको रिव्यू जरूर करूंगा। तो इसका टीजर आया, शनिवार को आया, किंतु रविवार को मेरा बुकिंग्स कंप्लीट थी। सुबह से लेकर शाम तक जो है मेरा शूटिंग स्केड्यूल बुक था। तो उसके बाद जो है मैंने कहा कि आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है, मैं पढ़ के आपको बताऊं कि भाई क्या मैंने इसके बारे में नोट्स तैयार किए थे। तो मैं सबसे पहले तो बताऊं इस फिल्म के थोड़ा सा सेटअप के बारे में कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अथरेया और जो फिल्म बन रही है वो बन रही है मन्यम प्रोडक्शन वेंचर्स के अंदर। और इस फिल्म के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं श्री विष्णु, निवेथा थॉमस, निवेथा पेथुराज, सत्यदेव, प्रियदर्शी और राहुल रामकृष्ण। ये तमाम नाम मुझे ढूंढने पर पता चले कि ये लोग जो हैं इस फिल्म में हैं। श्री विष्णु जो है जब टीजर आया तो उस समय ट्विटर पर शेयर किया, वहीं से मुझे सबसे पहले पता लगा कि भाई टीजर जो है इसका आ चुका है। उन्होंने लिखा वहां पे, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर बोकू बॉयज लाइक R3 बैच, हियर कम्स ब्रोचे वारे वारू। और उन्होंने जो है इसका टीजर जो है डाला है आपके आनंद के लिए। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इसका टीजर खोला और मैंने देखना शुरू किया कि भाई आखिरकार इस टीजर में ऐसा क्या है जो कि मेरी उत्सुकता जो जगी थी पोस्टर और मोशन पोस्टर को देख करके, क्या उसको ये और ज्यादा मेरे अंदर कौतूहल जगा सकता है, क्या ये संभव है कि मैं इस टीजर को देखने के बाद बोलूं कि नहीं चल के इस फिल्म को देखना था बनता है। तो भाई मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अपना वर्डिक्ट दे देता हूं, जी हाँ बिल्कुल आता है। कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक किडनैपिंग स्टोरी है लेकिन बड़ी मजाजिया तरह की जो है, बड़ी ह्यूमरस एक किडनैपिंग स्टोरी है। टीजर के शुरू में आपको दिखाई देता है कि एक आदमी है जो शायद डायरेक्टर है, सत्यदेव जो है रोल कर रहा है, या तो स्टोरी नरेट कर रहा है या डायरेक्टर है, इधर विच वे। और एक एक्टर है जिसका कि रोल कर रही है निवेथा पेथुराज, उनको जो है एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है। वो बताता है कि एक वो है ग्रुप है तीन लड़कों का जिसका नाम वो रखते हैं R3 बैच। इसमें तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है रॉकी, दूसरे का नाम है रैम्बो और तीसरे का नाम है राहुल। राहुल का रोल जो है श्री विष्णु कर रहे हैं। यहां राहुल के साथ क्या होता है कि राहुल को प्रेम हो जाता है मिथ्रा के साथ और मिथ्रा का रोल कर रही है निवेथा थॉमस। अब मिथ्रा जो हमको देखने के लिए मिलता है वो अचानक जो है आप स्टेज पर उसको नृत्य करते हुए देखते हैं, तमाम चीजें, और क्लासिकल डांसर है और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी बेटी भी है। जब वो बड़े ही अकड़ से बताती हैं इनको कि भाई मैं कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी हूं, तो लड़का पहले तो जो है एक बार एक्टिंग करता है कि शायद कुछ इसका मतलब हो उसका, फिर बाद में उससे पूछता है तो उससे क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें जो आप देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जो इंटरेक्शन है इन लोगों का बड़ा ही ह्यूमरस इंटरेक्शन है। ग्रुप जो है R3 वो डिसाइड करता है कि राधा कृष्ण जी की जो पुत्री हैं उनको किडनैप कर लिया जाए। अब ये जो डिटेल्स हैं इन कैरेक्टर्स के, क्या दिशा होगी क्या नहीं होगी ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाता है कि इट्स गोइंग टू बी अ मैड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहां पर हर चीज जो है आपको हंसने के लिए या मुस्कुराने के लिए या एटलीस्ट थोड़े से जो है चेहरे को अपने खुशी के उसमें टेढ़ा करना देता है, वो करने के लिए आपको जो थोड़ा मजबूर कर देगी। तो टीजर जब एंड करता है उसमें निवेथा पेथुराज बोलती है कि नहीं ये रोल तो मैं नहीं करने वाली हूं। और उसके बाद जो है इसका जो सामने बैठा हुआ नरेटर जो है उसका चेहरा उतर जाता है, तो सत्यदेव जो है अपना चेहरा उतार करके वहां बैठे रहते हैं और टीजर ऑलमोस्ट जो है यहां पर एंड करता है। मैं फिर वही बोलूंगा कि जो कौतूहल या जो एक भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई थी देखते समय इस फिल्म का पोस्टर और इस फिल्म के मोशन पोस्टर को, वो और सुदृढ़ हुई है। मैं बोल रहा हूं कि ये फिल्म अच्छी बन करके निकलेगी। अब ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी ये तो कल की बात है, क्योंकि इस समय मेरे हिसाब से जनता क्या हिट करा रही है क्या फ्लॉप करा रही है मेरी तो समझ के बाहर हो चुका है, अच्छे अच्छे क्रिटिक्स के समझ के बाहर हो चुका है।
एक ही व्यक्ति है जिसकी समझ के अंदर है, कारण कि अगर वो फिल्म को बोल देता है फ्लॉप तो फ्लॉप हो जाती है, फिल्म अगर बोल देता है हिट तो हिट हो जाती है। दो फिल्में बैठा चुका है वो इस तरह से, एक फिल्म का नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, दूसरे का नाम था जीरो। इन दोनों फिल्म का पहले ही दिन उसने कह दिया कि भाई ये फिल्में नहीं चलने वाली हैं, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के जैसी जो है ये दोनों फिल्में बैठ गई। तो आशा करता हूं कि मैं भी किसी दिन उतना पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता सकता हूं कि ये डार्क कॉमेडी है, इंटरटेनिंग है, और अगर आप देखेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। मिलता हूं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद।